जय हिंद साथियों, हम सब आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें हमने ऐसा लगेगा कि संविधान पढ़ रहे ऐसा लगता है, क्योंकि हम धीरे धीरे संविधान की ओर घुस रहे हैं। इसके बाद प्रोटी चले जाता है, इससे संविधान चलो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमने सीधी कार्रवाई देखी, उससे पहले हमने कैबिनेट मिशन देखा था, कैबिनेट मिशन आया था। और जो सीधी कार्रवाई दिवस में क्या देखा था कि सीधी कार्रवाई दिवस कौन मनाया था, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। क्योंकि उस समय क्या है, कांग्रेस काफी बहुमत से जीता था, इस कारण से जो मुस्लिम लोग उसका विरोध करने लग गए, तो उसको सीधी कार्रवाई दिवस मना। कब हुआ था सीधी कार्रवाई? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। कौन सा? 16 अगस्त 1946, ठीक है। कौन सा सीधी कार्रवाई दिवस पढ़ाया था कल हमने? सीधी या कार्रवाई? कार्रवाई दिवस, ठीक है, कार्यवाही दिवस। तो सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाए थे हमने? 16 अगस्त 1946 को। कब? 1946 को। पूछता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी या कब हुआ था घटना कब, तो ये है किसके द्वारा मनाई गई थी, ये उन्होंने किसके विरोध में, तो कांग्रेस के विरोध में, किसने? मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने स्टार्ट की थी सीधी कार्रवाई दिवस, या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बोलते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्योंकि कांग्रेस को काफी वोटों से उन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो उसके बारे में, उसके बाद दंगे स्टार्ट हो गए थे सीधी कार्रवाई के कारण, जगह जगह पर विरोध हुआ। उस समय हिंदू में भी काफी वो था, तो उस कारण दंगे काफी फैल गए थे। तो वो कहाँ से कहाँ तक फैल गए थे, तो यहाँ पे कलकत्ता है, तो कलकत्ता से होते हुए कहाँ तक चले गए थे, यहाँ पूर्वी बंगाल, जो अभी बांग्लादेश है, क्या है, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल तक फैल गया था। पूर्वी बंगाल के बाद में यहाँ से होते हुए कहाँ चला गया था? पंजाब में, पंजाब तक आ गया था यहाँ से फैलते। तो पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है फिलहाल में, अभी 1971 में आजाद हो गया था, जब भारतीय सेना द्वारा उनको आजाद किया गया था, अभी बांग्लादेश है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो पूर्वी बंगाल के नवा खाली करके स्थान आए थे यहाँ पे स्थान, वहां पे कौन पहुंचे थे? महात्मा गांधी। कौन? गांधी जी पहुंचे थे वहां पे, गांधी जी वहां पहुंचे और दंगों को शांत करवाने के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में माउंटबेटन, जिस उस समय वायसराय थे, तो उसी जो दंगे थे और जो हमें पहुंचे थे नवाखाली स्थान पे, और वही एक कारण बना कि वो स्वतंत्रता भारत को मिली थी। माउंटबेटन उस समय थे, उन्होंने कहा था कि वन मैन बाउंड्री, कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक फोर्स की तरह काम कर रहा है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, कहा किसने? गांधी जी को कहा था। किसने? माउंटबेटन। और लास्ट अंतिम हमारे भारत के वायसराय थे, कौन? माउंटबेटन। तो इसी के कारण क्या आया था, भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान में, तो उसको माउंटबेटन योजना, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखी थी संविधान सभा की कुछ महिलाएं देखी थी, कितनी महिलाएं थी वो टोटल, तो टोटल महिलाएं देखी थी हमने, 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में, कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी भाग ली थी, कितनी? 15 महिलाएं थी और 33 एसटी और एससी के सदस्य थे। उसमें से 2 सदस्य क्या है, उनके स्वास्थ्य खराब के कारण उन्होंने छोड़ दी थी। कौन कौन थे, कल मैंने नाम पूछा था, एक थे तेज बहादुर थे, और तेज बहादुर सुक्रू थे, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति था जय प्रकाश नारायण, ये दो व्यक्ति, उन्होंने स्वास्थ्य खराब के कारण उन्होंने सदस्य छोड़ दी थी। कहाँ से? लोक ये संविधान सभा के सदस्यता से। टोटल कितने थे? 33 थी, और महिलाएं कितनी थी? 15 थी। तो कल मैंने पूछा था कि सरोजिनी नायडू कौन क्यों थी, तो सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली गवर्नर बनी थी, कौन? सरोजिनी नायडू, जो सुचिता कृपलानी है वो भारत की पहली सीएम बनी थी, ये भी कहाँ पे? यूपी में बनी थी, और जो राज्यपाल है सरोजिनी नायडू है वो भी कहाँ पे बनी थी? यूपी में ही सबसे पहली भारत की सरोजिनी नायडू गवर्नर बनी थी, मतलब राज्यपाल बनी थी, ठीक। और इसके बाद में अमृता कौर थी, अमृता कौर क्या बनी थी? भारत की पहली केंद्रीय मंत्री बनी थी। फिर एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर एक विजयलक्ष्मी पंडित महिलाएं थी, वो यूएनए जो राष्ट्रीय संघ हमारा है, मतलब सॉरी राष्ट्रीय संघ जो पूरे विश्व को देखता है, तो एक संघ है ये यूनाइटेड नेशन, तो उसमें राजदूत, पहली महिला भारत की राजदूत बनी थी महिला,
वो थे कौन, लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, तो ये मैंने कल पूछा था, पढ़ लिया हम इसके बारे में। 15 महिलाएं थी, 33 सदस्य एसटी और एससी के सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने थे भारत में, तो 299 सदस्य थे। कितने, 299 सदस्य थे। ठीक, अब हम देखेंगे संविधान सभा की बैठक है, अब बैठकें देखेंगे, उसके बाद हम समितियां देखें। तो समितियां कितनी बनी थी, तो समितियां भी बहुत सारी समितियां बनी थी, टोटल 13 समितियां बनी थी। कितनी, 13 समितियां बनी थी, हम 13 समितियां भी देखेंगे। पहले हम देख लेते संविधान सभा की बैठक, जैसे संविधान सभा की बैठकें हुई, ऐसे तो बोल सकते संविधान बनने में कभी, यदि पूरी बैठकें देखे तो 165 तक बनी है लगभग, पर जो संविधान सभा बना उस समय कितनी बैठक हुई थी। तो संविधान सभा जब बैठक हुई, तो बैठक बैठकें देख रहे हो, तो कुल बैठक, ठीक है, बैठक कितनी हुई थी और 17 कितने हुए थे ये देखेंगे। तो 17 11 हुए थे और बैठक 12 हुई थी। ठीक है, क्या पूछते हैं, 17 कितने हुए थे, 11 17 थे और 12 बैठक हुई थी। तो पहले 17 में क्या हुआ, ओ सॉरी, बैठकें करेंगे हम, तो 12 पहली बैठक में क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई थी, तो उसमें क्या है, एक अध्यक्ष बनाया गया, उसका एक अस्थायी अध्यक्ष था कौन, सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसमें एक उपाध्यक्ष भी था। ठीक, फिर दूसरी बैठक बैठी, तो वो बैठी थी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर में क्या हुआ, जो अस्थायी अध्यक्ष था वहां पे स्थायी किया गया। पहले क्या था कि जो बुजुर्ग के हिसाब से बनाया गया था सबसे पहले अस्थायी रूप में, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। उसके बाद में 11 जो 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो स्थायी अध्यक्ष जो प्रॉपर रूप से लोगों के द्वारा चुन के बनाया कि हमारा ये स्थायी अध्यक्ष होगा, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी को बनाए गए। फिर एक जो बोल सकते हम संवैधानिक सलाहकार BNV राव थे, जो बेनेगल नरसिम्हा राव को बनाया गया था। तो बोला जाता कि जो तीसरी जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें नेहरू जी द्वारा एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था, किसमें, तीसरी बैठक में। ठीक है, हम बैठक हम देखते हैं क्या कैसा हुआ। फर्स्ट बैठक, प्रथम बैठक या प्रथम बैठक लिख सकते हैं, प्रथम बैठक। ठीक, प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, किसकी, संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। अब इस प्रथम बैठक हुई थी, उसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा, अस्थायी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था, संविधान सभा का जो बैठक बैठी थी, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कैसे थे, अस्थायी, याद रखना स्थायी और अस्थायी का। ऐसे ही लोग मतलब थोड़े बुजुर्ग लोग के थे, तो उन लोगों को सोचा कि भाई पहले हमारे यहाँ माना जाता है, जो बुजुर्ग थे उनकी पहले बातें मानी जाती थी, तो उसी के आधार पर उनको थोड़ी उम्र के कारण उनको पहले बनाया गया था, वो भी अस्थायी रूप से। कब, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक, और इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया, एक उपाध्यक्ष बनाया गया, एक तो उपाध्यक्ष हमें श्याम प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया, किसका, उपाध्यक्ष बनाया गया था प्रथम बैठक को। ठीक, सॉरी, अब इसमें क्या हुआ था प्रथम बैठक में, तो इसमें लीग ने उसका उल्लंघन करा था, जो मुस्लिम लीग थी इसका उल्लंघन करा था, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय साथ में थी। ठीक, तो मुस्लिम लीग ने क्या है, इसका संविधान सभा जो बैठक बैठी गई थी उसका उल्लंघन करा था, क्या, मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा था, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्या करा, उन्होंने इसका बहिष्कार करा, उसने अलग संविधान की मांग रखी, क्या करा, अलग से हमको संविधान चाहिए, अलग संविधान की मांग रखी, अलग संविधान की मांग रखी और बहिष्कार करा, किसकी, जो अपने संविधान थी उसको, और
मांग रखा, क्या अलग से संविधान मांग रखी उन्होंने, किन्हें मुस्लिम लीग ने, और बहिष्कार भी करा कि हमको ये शामिल नहीं होना है। ठीक है, ये 1946 की घटना देख रहे हैं, क्यों हम इसलिए देख रहे हैं, संविधान सभा पढ़ रहे हैं, तो संविधान सभा सबसे पहले बैठक की बात कर रहे हैं। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी को बनाए गए। मुस्लिम लीग ने क्या करा था उस समय कि अलग से संविधान की मांग रखे और उसका बहिष्कार करा कि हमको ये संविधान नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बैठक, सेकंड बैठक होते हमारी द्वितीय बैठक। तो द्वितीय बैठक कब हुई थी, तो द्वितीय बैठक पूछता है कभी 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई थी, द्वितीय बैठक हुई थी। अब द्वितीय बैठक में क्या करा, स्थायी अध्यक्ष बनाएगा, कैसा बनाएगा, स्थायी अध्यक्ष बनाएगा, स्थायी अध्यक्ष बनाएगा, स्थायी अध्यक्ष बनाएगा। तो भारत के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, ये पूछा क्वेश्चन था, और स्थायी का भी पूछ चुका है। तो अस्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति बने थे हमारे प्रथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, और उपाध्यक्ष वही थे कौन, श्यामाचरण एस एच मुखर्जी बोलते हैं, मुखर्जी, ठीक है, सॉरी यहाँ मुखर्जी आएगा, मुखर्जी, ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद रखना उपाध्यक्ष। आप यहाँ संविधान सलाहकार भी था, कौन था संविधान सलाहकार, संविधानिक सलाहकार बने थे, संविधानिक सलाहकार मतलब उसके देख बताने वाला, पूरी सलाह देने वाला एक सलाहकार बनाया गया था, संविधान सलाहकार बनाया गया था। कौन थे संविधान सलाहकार, बी एन राव, ये संविधानिक सलाहकार थे, बिनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है, कल भी मैंने बताया इसके बारे में, इन्होंने प्रारूप पेश किया था संविधान का, ठीक है। तो बिनेगल नरसिम्हा राव जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में बने थे, क्या है, द्वितीय बैठक कब हुई थी, तो द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक, उपाध्यक्ष वही श्याम प्रसाद मुखर्जी बने और संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ये हमारी द्वितीय बैठक हुई है। अब हम देखेंगे तृतीय बैठक कब हुई थी, तो तृतीय बैठक हुई थी हमारे 13 दिसंबर, ठीक है, 9, 11 और 13 बैठक, ठीक है, तो कब हुई थी 13 दिसंबर 1946 को ये तृतीय बैठक हुई थी, 1946 को क्या हुआ था, तृतीय बैठक हुई थी तृतीय बैठक। इसमें क्या था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने प्रस्ताव की जो थी उद्देशिका पेश की थी, क्या करना, उद्देशिका पेश थे, पर एक बार क्वेश्चन पूछा था पीएससी में कि उद्देशिका कब पेश की गई थी, वो तृतीय बैठक ना लेकर प्रथम बैठक लिया था कि प्रथम बैठक में उद्देशिका पेश की गई थी, हो सकता है उसमें आपत्ति लगी थी, पर एक क्वेश्चन पूछा था उस समय पेपर। तो उसमें क्या हुआ था, तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्होंने क्या करा, उद्देशिका पेश की थी तृतीय बैठक में, ठीक है, कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका पेश की गई थी, कब, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। आप क्या करते हैं, तो जैसे ही उद्देशिका पेश करी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में, अब हम देखेंगे हमारे संविधान की जो प्रारूप समिति जो उद्देशिका रहती है, तो उसको भारत के जो संविधान के आत्मा भी कहा जाता है, उद्देशिका को उसमें संशोधन हुआ था, बोला जाता है कि उसका ढांचा नहीं चेंज होगा, उनकी प्रक्रियाएं चेंज हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आप देखेंगे हम अलग से, तो क्या हुआ था, उद्देशिका पेश की गई थी। अब जो उद्देशिका है उसको अपना कब लिया गया था, तो अपनाया कब गया था, जो उद्देशिका है उसको स्वीकार कब किया गया,
तो स्वीकार कब किया गया, इसको स्वीकार किया गया कब, तो 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया उद्देशिका को, कि हमारी ये उद्देशिका होगी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण पर्वत संपन्न राज्य बनाएंगे, ये उद्देशिका थी। तो उन्होंने 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया, किसको, उद्देशिका को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अब क्या हुआ, 1946 के बाद में 1947 आया, तो भारत का विभाजन हुआ, तो उसमें पुनर्गठन हुआ था, तो जिसमें 390 सीटें थी उसमें से 299 सीटें कहाँ रह गई थी, भारत में रह गई थी, उसमें से 90 सीटें कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान में चली गई थी, ठीक। अब जो 299 सीटें थी उसमें से जब संविधान बना था, जब संविधान बैठा बनी थी, तो उसमें हस्ताक्षर किसने, कितने जनों ने किया था, तो उसमें से जो 294 कितने, 294 इस पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब जब पेश किया गया था संविधान, तो किसने, 294 पांच सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है, पांच सदस्यों ने क्या है, हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि ऐसे संविधान सभा की जो हुई थी बैठक, उसमें जो प्रारूप पेश किया गया था उसमें कितने सदस्य जो ने साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे अपने साइन के, हाथ पे ये जो पेश किया गया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, तो कितने, 294 ने हस्ताक्षर किए थे, पांच सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, कितने थे टोटल, 299 हमारे भारत में सदस्य थे, उनमें बता दिया था मैंने, 15 महिलाएं थी, 33 एसटी और एससी के सदस्य थे, ठीक। अब हम देखेंगे बारी बैठक, हम डायरेक्ट देखते हैं, आप बारी बैठक देखेंगे, क्योंकि हम पूरी बैठक नहीं बताएंगे, क्योंकि मेन मेन में है जो एग्जाम में पूछती रहती है, आप तृतीय बैठक हुई हमारी, बारी बैठक देखेंगे, तो बारहवीं बैठक कब हुई थी हमारी ये देखेंगे, ठीक, बारहवीं बैठक, बारहवीं बैठक इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, हमारे राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया, क्या करा, वो राष्ट्रध्वज अंतिम बैठक थी, कैसी थी, अंतिम बैठक थी, ठीक है, 12 बैठक हुई थी हमारी, तो इसमें क्या हुआ था, तो उसमें उद्देशिका जो दी गई थी राष्ट्र, तो ये अंतिम बैठक थी, तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करा था, राष्ट्रपति प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिए गए थे, तो राष्ट्रपति चुन लिया गया था और राष्ट्रगान को स्वीकृति मिली गई थी, ये राष्ट्रगान ये होगा, उसको स्वीकार कर लिया गया, राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। सॉरी, तो क्या हुआ था, तृतीय बैठक 24 जनवरी 1950 को, कब बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, तो ये बारी बैठक पूछे कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी, 1950 की अंतिम बैठक हुई थी। अब हम यहाँ भी ये भी देखेंगे कि संविधान सभा कब बना था, जैसे संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, ठीक है, बन के तैयार हो गया था, तो उसको लागू किया गया था कब, तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को विशेष रूप से मनाया जाता है, तो एक दिन था ये खास जब भारत का पहली बार झंडा 1930 में फहराया गया था, लहराया गया था, तो उस कारण कब बना था हमारा संविधान, ये अंतिम बैठक थी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। अब संविधान इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे उसको, 64 लाख मतलब उसमें राशि लगी थी लगभग, और जो भी थे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या थे, हमने प्रथम बैठक देखी, तृतीय और द्वितीय और तृतीय, बारहवीं बैठक हुई थी 22 जनवरी 1950 को, यदि पूछता है राष्ट्रगान कब स्वीकृत मिली थी, तो 22 जनवरी 1950 को, कब, और सॉरी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, कब राष्ट्रपति चुन लिया गया उसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राष्ट्रगान कब स्वीकार मिला, 24 जनवरी 1950 को, अंतिम बैठक थी, कैसी थी, अंतिम बैठक थी, तब उस समय कैसी थी, अंतिम बैठक थी, यदि याद रखना अंतिम बैठक, क्योंकि 12 बैठक हुई थी, अंतिम बैठक थी, याद रखना। तो अब हम देखेंगे, अब इसके बाद क्या है, अंतरिम सरकार बन गई थी उस समय, ठीक। अब हम समितियां देखेंगे, कुल 13 समितियां थी, जिसमें से प्रमुख समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति,
कौन से थे? प्रारूप समिति। कौन से? प्रारूप समिति। तो 13 समितियां थी, उसमें से प्रारूप समिति थी। कौन सी? प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति थी प्रमुख रूप से, एक प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या उसको बोलते मसौदा समिति, मसौदा समिति या उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये समिति थी, एक ही नाम है उसका नाम। अब ये समितियां क्यों बनी थी? तो ये संविधान सभा बनी थी, जो संविधान सभा बना था उसके जो विभिन्न पहलू थे उनमें अध्ययन करने के लिए, क्योंकि संविधान सभा जब बनी थी तो जो संविधान सभा संविधान बनाया गया तो संविधान का क्या है, ये क्या काम करते थे, जो संविधान 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 बना था हमारा, जो संविधान जब निर्माण किया गया, ठीक है, जब निर्माण किया गया तो उनके विभिन्न पहलू थे, विभिन्न जो पहलू थे, पहलू उनको जो मतलब उसमें जो चीजें थी, विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। क्या करा? अध्ययन करने के लिए कि भाई उसमें अध्ययन कहाँ क्या गलत है, क्योंकि हमारे जो संविधान बनाया गया था तो उनके स्रोत थे अलग अलग से लिया गया, जैसे नीति आयोग थे, सॉरी जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे प्रस्तावना परिभाषा अलग से ली गई थी, फिर प्रस्तावना कहाँ अलग से ली गई थी, जैसे मौलिक अधिकार अलग से लिया गया था, अलग दूसरे देश से, मतलब हमारे यहाँ क्या है जो संविधान बनाया गया था तो अलग अलग देशों से लिया गया था, सीधी सी बात है। जैसे नीति तत्व आते हैं आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है, तो प्रस्तावना है जो कहाँ से लिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया थी, जैसे राष्ट्रपति पद जो है साउथ अमेरिका से लिया गया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग सभी देशों से लिए गए थे, मतलब उन्होंने मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार है जो अमेरिका से लिया गया था, ऐसे हमने अलग अलग देशों से हमने संविधान बनाया था। तो उन जो लिए गए थे तो उनमें अध्ययन करने के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई थी कि भाई अलग अलग कमेटियाँ उन पर अध्ययन करें, भाई कौन सा सही है, जो सही है जो मतलब हम भारत के लिए अलेबल है, उनके लिए जो मतलब काबिल है, वो चीज़ें लेके उनका अध्ययन करें कि वो कौन से अपने यहाँ सिद्ध होंगे, सही होंगे वहाँ तक के। तो इन विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए समितियाँ बनाई गई थी, तो उसमें एक समिति थी प्रमुख रूप से प्रारूप समिति या मसौदा समिति बोलते हैं, क्या है मसौदा समिति, और इसको इसी को क्या बोलते हैं ड्राफ्टिंग समिति। अब जो प्रारूप समिति थी उसके 7 सदस्य थे, कितने 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और 6 दूसरे अन्य सदस्य थे, जैसे टीएन कृष्ण थे, अय्यर थे, आयंगर थे, फिर बीएल मिश्र मित्र थे, फिर खेतियान थे, ऐसे, और 2 के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी। ठीक है, जैसे खेतियान करके हैं, उन्होंने सदस्यता छोड़ी थी, और टीएन मित्र उन्होंने छोड़ा था, उनके जगह माधव राव आए थे, और एक आए थे कृष्णन आए थे, टीएन कृष्णाचार्य आए थे, तो उन्होंने ऐसे 6 सदस्य थे अलग से थे। तो काफ़ी वजन किस पर आया था, भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनको काफ़ी काम दिया गया था, क्योंकि जो सदस्य थे कोई बोलते हैं कि बहुत सारे सदस्य उन्होंने साथ नहीं दिए थे उनके जो सहयोग, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद ने उनके मसौदा जो तैयारी थी प्रारूप समिति थे उनका अध्ययन किए रहे, उन्होंने उनकी बातें रखी भारत में जो होता है उसके बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसके मुख्य अध्यक्ष थे, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे किसके, मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब कुछ प्रमुख समितियां और है, ठीक है, सदस्य कौन कौन से है, तो सदस्य थे, एक नाम बता देता हूँ फिर भी, अयंगर, अय्यर, मैं छोटे छोटे नाम बता रहा हूँ, बड़े बड़े नाम है, अयंगर, अय्यर, मसौदा, साधुला है एक, टीएन क्रश, डीएल मित्र है, फिर एक है खेतियान है,
खेतियान है और माधवान है। ये जो माधवान खेतियान की जगह टी एन कृष्णाचार्य आए थे। कौन आए थे? टी एन कृष्णाचार्य आए थे। इनका स्वास्थ्य खराब होने का छोड़ दिया था। और बी एन मित्र की जगह माधवान आए थे, माधवराव इनको लाया गया आए थे, ये सदस्य बने थे बाद में। ठीक है, अय्यर अयंगर साधुला बी एन मिश्र खेतियान थे, टी एन कृष्ण ये सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रमोसुदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारो समिति। काफी पूछते हैं तो इनको याद ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। सात सदस्य, कुल कितने सदस्य थे? कुल सात सदस्य थे अध्यक्ष समेत। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, याद रखना। ये काफी क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रारूप समिति दायित्व, ये पूछता है प्रारूप समिति क्या है। तो प्रारूप समिति जो संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए समितियां बनाई गई थी, उसमें से मुख्य समिति थी हमारी मौजूदा समिति या प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाए गए थे। और छह अन्य सदस्य थे, अयंगर थे, अय्यर थे, साधुला है, बी एल मिश्र है, खेतियान थे, टी एन कृष्णाचारी, माधवराव, ये सात सदस्य थे। ठीक है, अब और बहुत सारी समितियां हैं, ऐसे मुख्य मुख्य समितियां देखेंगे। जैसे संघ संघीय समिति, तो संघ समिति किसको दिया गया? तो वो है नेहरू जी को दिए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर हम देखेंगे सभी को दिए कौन कौन, किसको कौन सी समिति दी गई। तो संघीय संघीय समिति नेहरू द्वारा पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सी समितियां दी गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को समितियां बांटी गई थी, तो उनको बांटी गई थी समितियां थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघीय समिति, मतलब एक संघ समिति, पूरे संघ मतलब भारत बना हुआ है, तो संघीय समिति दी गई। तो संघ समिति कौन सी? संघ समिति, संघीय समिति दी गई थी किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संघ समिति इनके पास थी संघ बनाने के लिए, मतलब राष्ट्र बनाने के लिए। या संघ समिति क्या है? संघ समिति वो नए राज्यों को बनाने के लिए, नए राज्यों को, नए राज्यों की समिति किनके पास थी? ये मतलब देश में जो समितियां थी राज्यों को, राज्य कौन सा जुड़ रहा है, बनाना है, अलग करना है, ये संघ बनाने का काम किसके था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। संघ समिति, संघ समिति और नए राज्यों की समिति किनके पास थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री बने थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सरदार पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना, करके मैं सरदार पटेल लिख रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कौन कौन से दिया गया? तो इन्होंने क्या करते थे, ये प्रांतीय समितियाँ, इन्होंने क्या है, अलग अलग जो भाग नहीं मिल रहे, जैसे हैदराबाद हुई थी, हैदराबाद हमारे जो हमारे भारत में नहीं मिला था पहले, जब जो मिलाया गया था तो देसी रियासतें मिली थी तो समय, हैदराबाद 1970 में मिला था ऑपरेशन पोलो के तहत, उनको मिलाया गया था, सैन्य अभियान किया गया था। तो सरदार पटेल जी क्या है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। क्या है? प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, संघीय समिति या संघ समिति या नए राज्यों की समिति इनके पास थी, या फिर राज्यों के, इनको क्या राज्यों के ये बोल सकते, राज्यों की समिति, किस क्या बोल सकते, राज्यों की समिति, या फिर प्रांतीय समिति, प्रांतीय मतलब राज्य ही होते, तो प्रांतीय समिति इनके पास थी। फिर मौलिक समिति थी, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संख्यक के संदर्भ में समिति थी। क्या है? इसके संदर्भ में इनकी समिति थी इनके पास। ठीक है, आप मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के सरदार पटेल जी क्या थे? समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति मुख्य थी, और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के संदर्भ में समिति के मतलब इनको क्या हुआ, निर्देशित के लिए, मतलब उनके देखरेख के लिए इनको समिति बनाई गई थी। पर इनके उप समितियां भी थी, क्या थी? उप समितियां अलग थी। कौन कौन सी थी उप समितियां? मौलिक अधिकार थी, उप समितियां भी थी, और अल्पसंख्यक की भी उप समितियां थी। क्या है? उप समितियां। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछेगा
मौलिक अधिकार के संदर्भ में मेन कौन थे? तो सरदार पटेल जी। पर मौलिक उप समितियां के जो अध्ययन करते थे, इनके मतलब जो थे उप समितियां थी, उनके उप समितियां बनाए गए थे मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकारों पर उनका अध्ययन करेंगे, और उप समितियां अल्पसंख्यकों के अध्ययन के लिए भी बनाई गई थी। तो इनके कौन कौन अध्यक्ष थे? तो मौलिक अधिकार जो अधिकार थे उनकी उप समितियां बनी थी, ठीक है। और उप समितियां किसकी थी? अल्पसंख्यकों की। तो क्या है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के परामर्श समिति, ठीक है, इनके परामर्श समितियां थी, के परामर्श समितियां बनी थी, ठीक है। परामर्श समितियां थी, परामर्श समितियां कौन कौन सी थी? तो एक थी मौलिक उप समितियां और अल्पसंख्यक उप समितियां, अल्पसंख्यक उप समिति, ये उप समितियां थी। तो मौलिक उप समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो जेपी कृपलानी ये मौलिक उप समितियां के अध्यक्ष थे। उप समितियां के किसके? मौलिक अधिकार के उप समितियां के, ठीक है। और ये अल्पसंख्यक उप समितियां के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे थे एच सी मुखर्जी, मतलब श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये उपाध्यक्ष भी समय थे। तो क्या थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। और मौलिक उप समितियां के किस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। सरदार पटेल प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के परामर्श समितियां के अध्यक्ष थे, ठीक है। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों के जो उप समितियां हैं उसके अध्यक्ष कौन है? जेपी कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक की उप समितियां हैं उसके श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं। अब हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? थोड़े वो थे बूढ़े, मतलब बुजुर्ग मान सकता है। तो उनको संचालन समितियां दे दी गई। क्या दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे। तो उनको क्या करा? एक तो संचालन समिति दे दी गई उनको, चलाने के लिए संचालन समिति दे दी। एक दे सकते राष्ट्रमंडल समिति दे दी, राष्ट्रमंडल मतलब राष्ट्रमंडल के चलाने के लिए एक समितियां दे दी। राष्ट्रमंडल के संदर्भ तदर्थ में तदर्भ समिति दे दिए गए, राष्ट्रमंडल संबंध में तदर्थ समिति दी गई। और एक प्रक्रिया समिति, जो भी प्रोसेस होती है प्रक्रिया समिति दे दी गई, उनके अध्यक्ष दे बनाए गए, या उसको बोल सकते हैं नीति नियम, नीति नियम समिति, ठीक है। इसमें नीति नियम बनेंगे। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रमंडल के संदर्भ में एक राष्ट्रमंडल संबंधित की जो समिति बनती थी, जो भी राष्ट्रमंडल रहेंगे राजदूत वगैरह उनके जो नियुक्त होते हैं उसके संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। तदर्भ समिति थी, ठीक है, जिसमें राष्ट्रगान ध्वज वगैरह अपनाते थे, इसी के तहत अपनाएंगे तदर्भ समिति। प्रक्रिया समिति कैसे प्रोसेस होगी संविधान में, कौन से जैसे सांसद होगी कोई, मतलब भारत में सबसे पहले सांसद संविधान सभा ही थी, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि नीति नियम कानून बनेंगे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछता क्वेश्चन कभी कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो हम बोल सकते हैं कि हम राष्ट्रपति जो संचालन का काम करते हैं, अभी भी देखते हैं कि संचालन कौन करते हैं, राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति याद करना, थोड़ा गौर से याद करना तो याद हो जाएगा। तो राष्ट्रमंडल को संभालता है, तो राष्ट्रमंडल से संबंधित समिति, ठीक है। और प्रक्रिया प्रोसेस कौन करवाता है, कुछ भी प्रक्रिया, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब झंडा समिति, झंडा समिति राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष है जेबी कृपलानी। अब जेबी कृपलानी की बात करते हैं। जेबी कृपलानी को क्या दिया जाएगा थे विभाग? और राष्ट्रीय झंडा समिति, राष्ट्रीय राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन सा झंडा कौन सा क्या होगा, इसके लिए जेबी कृपलानी को राष्ट्रीय झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये किसके अध्यक्ष थे? ये अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय जब जेपी कृपलानी राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा अध्यक्ष उसके कब किसके थे? तो अधिक मौलिक अधिकार थे उनके, मौलिक अधिकार थे उनके समिति के भी अध्यक्ष किसको बनाए थे? जेपी कृपलानी को बनाए गए थे, ठीक है। ये हमारी समितियां कुछ इंपोर्टेंट थी। संघीय समिति, संघ जो संघ को संभाला था, और प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालने वाला, ऐसे सोच लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति, राज्य राज्यों की समिति किसके पास थी?
राज्य मतलब जिसको किसको राज्य को बनाना है, किसको शामिल करना है, तो इसको किसके पास थे? नेहरू जी के पास। कौन सा राज्य किसको कौन सा नाम देना है, ये हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, उसी के तहत ये संविधान सभा बनी, कैबिनेट मिशन आया, तो वही चल रहा है। इसके बाद में क्या है, पॉलिटी चालू हो जाएगी, उसके बाद में क्या होगा, जो संविधान कभी इसके बाद चालू कर सकते हैं हम, तो संविधान पढ़ लेंगे कि बैठकें में पढ़ ले, इसके बाद हमारा जो आधुनिक हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, राष्ट्रमंडल संदर्भ समिति, परिग्रह समिति, जेपी करपला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा समिति के, राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अब हम देखेंगे आगे कि संविधान सभा को बनने में कितने लगे थे टाइम, तो ठीक है, तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है, 2 साल 2 साल, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम, संविधान सभा के बारे में कितने पैसे लगे, कौन क्या थे, ठीक है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।